चावलों को चेक कर लेंगे। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। अब चावलों को प्लेट में डाल लेंगे। आधा किलो बासमती चावल लिए ने मैंने, इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रख लिया। इसमें पानी डाल के रखा है मैंने आधे घंटे के लिए। एक कप से थोड़ा ज़्यादा है ऑयल, ऑयल डाल लेंगे पौना कप ऑयल। थोड़े से काजू डाल लेंगे, काजुओं को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, साथ में हमारा ऑयल भी पक जाएगा। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। काजू हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, ऑयल भी हमारा पक चुका है। डेढ़ पाव चीनी डाल लेंगे, आधा कप पानी डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी चाशनी तैयार करनी है, ऐसे ही इसे चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाशनी को नीचे उतार लेंगे। चावल को बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख लिया है। पानी को ना अच्छी तरह गर्म होने देंगे, इसको बॉईल आने देंगे, ढक्कन लगा देंगे। बॉईल आने तक ढक्कन लगा देंगे। पानी को बॉईल आ चुका है, ढक्कन उतार लेंगे। एक चम्मच येलो फूड कलर डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चावलों का पानी निकाल लिया मैंने, चावल डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब चावलों को बॉईल आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। चावलों को बॉईल आ चुका है, अब चावलों को हाफ बॉईल करना है, इसे फुल बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, हाफ बॉईल करना है। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मीठे चावल बनाने का बहुत ही सादा तरीका है। चावलों को बार बार चेक करते रहना है, इसे ज़्यादा बिल्कुल भी बॉईल नहीं होने देना। आप देख सकते हैं चावल हमारे हाफ बॉईल हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब चावलों को छन्नी से निकाल लेंगे। इसे जल्दी जल्दी निकाल लेना, पकने नहीं देना बिल्कुल भी। अब इसे दूसरी प्लेट में डाल लेंगे। जो हमने चाशनी तैयार की है वो दे इसके में डाल लेंगे। चाशनी को बॉईल आने देंगे। चाशनी को बॉईल आ चुका है, आप इसमें चावल डाल लेंगे। चावलों को मिक्स कर लेंगे चाशनी में। चावलों को मैंने मिक्स कर लिया। चार पांच इलायची डाल लेंगे, गरी और सौंगी डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 15 मिनट के लिए इसे दम लगा देंगे हल्की सी आंच पर। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। चावलों को चेक कर लेंगे। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। अब चावलों को प्लेट में डाल लेंगे। चावलों को मैंने प्लेट में डाल लिया। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल लेंगे।